हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ TCS कंपनी में कैसे जॉब करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे जॉब का इन्फॉर्मेशन आपको बराबर समय पे मिलता रहे। पहले मैं आपको बता दूँ कि जॉब घर में नहीं होता है। जॉब के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आपको माइंड में डालना पड़ेगा कि जॉब आपके घर में नहीं मिलेगा, आपके रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, शहर चेंज करना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ TCS में जॉब की वैकेंसी के लिए कहाँ पे कैसे पता करें मिलते हैं उस चीज़ों के बारे में। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। पहले आप जान लें कि TCS क्या होता है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टाटा की एक कंसल्टेंसी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। ये लोगों को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करवाती है। इंजीनियर हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सारी चीज़ों का। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक में आपको करियर पे जाना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वो लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट का सारा जानकारी मिलता रहेगा। ये करियर पे, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस और एंट्री लेवल जाना, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपके सामने ये पेज खुलेंगे जब आप एक्सपीरियंस को क्लिक करते हो। यहाँ पे क्या है, जॉब टाइटल, सिटी, फंक्शन, एक्सपीरियंस और अप्लाइड वाइज। तो हमने अप्लाइड वाइज पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया, उसके माध्यम से जहाँ जहाँ जितना भी वैकेंसी होगा उसके बारे में आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, खुल जाएंगे। तो आप जान लें सबसे पहले कि जो रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं जैसे वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है 4 जनवरी 2022 यानी कि आज। तो ये है आपका पुणे में, दिल्ली में, चेन्नई में, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, सिटी वाइज चलता हूँ। तो सिटी वाइज आपका, तो ये सिस्टम थे, जैसे आपको बताता हूँ कि पुणे के लिए है, हायरिंग फॉर ऑटोमेशन के लिए पुणे में, मुंबई में है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों का है, मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद का है, ये हायरिंग फॉर .net के लिए है, .net में। चेन्नई के लिए जावा के लिए है, इंदौर के लिए है, यहाँ पे भी आपको जावा फुल स्टॉक डेवलपमेंट चाहिए, ऑपरेशन सपोर्ट के लिए चाहिए आपको इंदौर में, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन बेंगलोर में, कंसल्टेंट है बेंगलोर में, GCP मतलब ये सारी। दिल्ली के लिए है आपका EMS स्टोरेज 14 जनवरी 2022 तक, मतलब ये सारे डिटेल्स आपको हमारे दिए हुए लिंक में। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, यदि आपको आपके हिसाब से यहाँ पे सूटेबल नहीं है तो आप अपना क्या कर सकते हैं कि रिज्यूम, ये रिज्यूम जो है यहाँ पे अपना सबमिटेड कर सकते हैं, अपना अपडेटेड रिज्यूम एज पर योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट योर रिज्यूम करेंगे तो ऐसा आपको यहाँ पे TCS करियर पे एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से फिर आपको क्या करना होगा, एंट्री करना होगा, जैसे यूजर रजिस्टर विद अस, यहाँ पे आपको यूजर बनने होंगे और यूजर बनने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपको रिज्यूम देना होगा। फिर आपको आपके रिज्यूम के हिसाब से जहाँ पे सूटेबल जॉब होगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।